हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास. दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCET ऑफ दिल्ली वर्कशीट नंबर 23 एंड इट इज ओनली फॉर 9th क्लास स्टूडेंट्स. इट हैज टेकन फ्रॉम द सब्जेक्ट सोशल साइंस इकोनॉमिक्स एंड वी विल लर्न एंड अंडरस्टैंड अ सब टॉपिक विच इज अबाउट द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पार्ट 1 इन दिस वर्कशीट. सो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपकी इकोनॉमिक्स की बुक का है, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. इसका हम पार्ट फर्स्ट आज समझेंगे. तो वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ विलेज पालमपुर. आज की इस वर्कशीट में हम इसके इंट्रोडक्शन को जान लेते हैं कि आखिर पालमपुर विलेज की जो फीचर्स हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन है, वो क्या क्या हैं. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. पालमपुर विलेज इज अ हाइपोथेटिकल विलेज, यानी ये एक काल्पनिक गांव है, ऐसा कोई गांव नहीं है. हाँ, लेकिन जो इसके फीचर्स हैं वो हमारे इंडियन विलेजेस से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं. एंड देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज गोइंग ऑन इन ऑलमोस्ट एवरी विलेज इन इंडिया. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे रखा है ना इस विलेज का, और जो यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सारी की सारी आपको इंडिया के हर विलेज में देखने को मिल जाएंगी. पालमपुर इज अ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स. पालमपुर जो है वो अपने पड़ोसी गांवों से और कस्बों से वेल कनेक्टेड है. रायगंज, अ बिग विलेज, इज 3 किलोमीटर्स फ्रॉम पालमपुर. रायगंज जो एक बहुत बड़ा गाँव है, पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर ही है. An all-weather road connects the village to Rayganj and further on to the nearest small town of Shahapur. देखिए, इसका मतलब है कि यहाँ पर कच्ची सड़क जो है, उसके अलावा यहाँ पर पक्की सड़क भी हैं, जो कि सभी मौसमों में इस विलेज को रायगंज और उसके बाद जो छोटा कस्बा है शाहपुर, उससे जोड़े रखती हैं, चाहे वो कोई भी मौसम हो. Many kinds of transport are visible on this road, starting from bullock carts, tongas, bogies, wooden cart drawn by buffaloes loaded with jaggery and other commodities to motor vehicles like motorcycles, jeeps, tractors and trucks. यानी यहाँ पर आपको बहुत सारे बहुत तरीके के ट्रांसपोर्ट भी देखने को मिल जाएंगे, जिसमें जहाँ भैंसा गाड़ी होती है ना, भैंसा बुकी कहते हैं उसको, उससे लेकर और जो ट्रक्स होते हैं, ट्रैक्टर्स होते हैं, वो भी यहाँ पर मिल जाएंगे. यहाँ पर आपको टांगास दिख जाएंगे, बोगीज दिख जाएंगी, जिसको बफेलोस खींच रहे होते हैं, और ये किससे लदे होते हैं, जैगरी यानी गुड़ से या दूसरे सामान से लदे होते हैं. यहाँ तक कि मोटर व्हीकल्स भी हैं, जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रांसपोर्ट का काम भी करते हैं, जो कि गाँव के लोगों को इधर से उधर मूव कराते हैं. This village has about 450 families belonging to several different caste. इस गांव में 450 families रहती हैं जो कि different caste की हैं. The 80 upper caste families own the majority of land in the village. यहाँ की जो 80 families हैं वो upper caste की हैं, और गांव की ज़्यादातर ज़मीन उन्हीं के पास है, यानी उनका अधिकार है उसके ऊपर. Their houses, some of them quite large, उनके हाउस बड़े बड़े हैं, and are made of brick and cement plastering, यानी वो पक्के मकान बने हुए हैं सीमेंट और ईंट के. The SCs comprise 1/3 of the population and live in one corner of the village and in much smaller house, some of which are of mud and straw. देखिए, जो SCs हैं यानी जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो गांव की जनता के पॉपुलेशन के 1/3 हैं, और गांव के कोने में रहते हैं. उनके घर भी जो है काफ़ी छोटे हैं, और वो घास फूस से बने हैं, दैट मीन्स कच्चा हाउस है. मोस्ट ऑफ द हाउस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, ज़्यादातर गांव के घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, यानी इलेक्ट्रिसिटी है. इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूब वेल्स इन द फील्ड एंड इज़ यूज इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसी से ही गाँव में जो खेत हैं वहाँ पर ट्यूबवेल्स चलते हैं, और इसका जो यूज़ है वो गाँव के छोटे छोटे बिजनेस में भी यूज़ होता है, छोटे छोटे कार्यों में भी यूज़ होता है. पालमपुर हैज़ 2 primary schools एंड 1 high school. पालमपुर में 2 primary school और 1 high school भी है. देर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट, यानी सरकारी हेल्थ सेंटर भी है, एंड 1 private dispensary वेयर द सिक आर ट्रीटेड, जहाँ पर बीमार या रोगियों का इलाज उपचार किया जाता है. तो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ विलेज पालमपुर. नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन, बट बिफोर दैट विल हैव टू सी सम पिक्चर्स ऑफ पालमपुर.
सो हेयर आर द पिक्स ऑफ विलेज पालमपुर, और आप देख सकते हैं, यू कैन सी द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ दिस विलेज इज एग्रीकल्चर। आपको इन फोटोग्राफ से पता भी चल सकता है कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर से ही कनेक्टेड हैं। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द पीपल ऑफ पालमपुर विलेज, यानी पालमपुर गांव में लोगों का जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मेन ऑक्यूपेशन है, वो क्या है। द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द पीपल ऑफ पालमपुर विलेज इज एग्रीकल्चर, एज वी डिस्कस अर्लियर। क्योंकि जैसे हमने आपको बताया कि वहाँ के जो लोगों का मुख्य काम धंधा क्या है, एग्रीकल्चर, यानी कि खेती बाड़ी करना है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, वॉट इज द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ पालमपुर विलेज, यानी पालमपुर गांव का सोशल स्ट्रक्चर, दैट मीन्स सोसाइटी कैसे कैसे डिवाइडेड है। तो आंसर इज, दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट, यानी डिफरेंट कास्ट की यहाँ पे 450 फैमिलीज हैं। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज, यानी गांव की ज़्यादातर ज़मीन पर जो 80 अपर कास्ट फैमिलीज हैं उनका ही अधिकार है। देयर हाउसेज सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज एंड आर मेड ऑफ ब्रिक विथ सीमेंट प्लास्टरिंग, वो पक्के हाउस बने हुए हैं ईंट और सीमेंट के। एंड द एससीज जो शेड्यूल कास्ट हैं कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज एंड इन मच स्मॉलर हाउस एंड सम ऑफ विच आर मड एंड स्ट्रॉ। तो जो एससीज हैं शेड्यूल कास्ट हैं वो गांव की पॉपुलेशन के 1/3 हैं और गांव के एक कोने में रहते हैं, जिनके हाउस बहुत छोटे हैं और घास फूस से बने हुए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, पालमपुर विलेज इज अ विलेज विथ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। जो पालमपुर गांव है वो बहुत ही अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से बना हुआ एक गांव है। इसको आपको अपने शब्दों में बताना है कि कैसे आपको लगता है कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। देखिए, मोस्ट ऑफ द हाउस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। एक तो इससे पता चलता है कि गांव के ज़्यादातर घरों में बिजली का कनेक्शन है। देन इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज़ यूज इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे ही गांव में खेतों में ट्यूबवेल्स चलाए जाते हैं और छोटे छोटे कार्यों में इसका यूज़ भी होता है। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल, यहाँ पर 2 प्राइमरी स्कूल और 1 हाई स्कूल भी है। एंड देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा जो एक डिस्पेंसरी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वो भी है, और एक 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है वेयर द सिक आर ट्रीटेड, जहाँ पर बीमारों का, रोगियों का इलाज किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इज एग्रीकल्चर द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन योर विलेज लाइक पालमपुर, वाई इज इट सो, गिव सम रीजंस। देखिए, जैसे पालमपुर गांव में मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्रीकल्चर है, क्या आपके गांव में भी ऐसा होता है? अगर है तो आप कुछ रीजंस दीजिए। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि इंडिया के जो मोस्ट ऑफ द विलेजेस हैं, दे हैव मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एग्रीकल्चर। उनके यहाँ पर जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एग्रीकल्चर ही है। तो मैंने यहाँ पर कुछ लिखने की कोशिश की है, लाइक पालमपुर एग्रीकल्चर इज़ द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन माई विलेज ऑल्सो, देर आर टू मैनी रीजन्स फॉर दिस, इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे आई हैव सम लैंड, मेरे पास ज़मीन है, देर इज़ इलेक्ट्रिसिटी इन द विलेज, गाँव में बिजली भी है ना आपके गाँव में भी, इरीगेशन फैसिलिटीज़ आर गुड हेयर, यहाँ पर इरीगेशन यानी सिंचाई की सुविधाएँ बहुत अच्छी हैं। दूसरा, सीड्स एंड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स आर, इम्प्लीमेंट्स की जगह हम इनपुट्स लिख सकते हैं, यहाँ पर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट हैं, औजार हैं, वो सब आर अवेलेबल फ्रॉम द नियर बाय मार्केट, यानी पास की मार्केट से हमें मिल जाती हैं। एंड देयर इज़ ऑल्सो अ मार्केट नियर बाय टू सेल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और जो भी हमारी फसल होती है उसको हम पास की मार्केट में बेच भी सकते हैं। इसलिए हमारे गाँव की जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो एग्रीकल्चर है। Now the last question, describe the characteristics of Palampur village in your own words. आप अपने शब्दों में बताइएगा पालमपुर गांव की विशेषताएं। तो देखिए, ऊपर से ही हमने कुछ सेंटेंस लिए हैं, उसको थोड़ा बहुत चेंज किया है। जैसे पालमपुर विलेज इज़ अ वेल इक्विप्ड विलेज, यानी वो सारी सुविधाओं से भरा हुआ एक विलेज है। अपार्ट फ्रॉम द अनपेव्ड रोड इन द विलेज, यानी कच्ची सड़क के अलावा देयर आर ऑल्सो पक्का रोड्स विच कनेक्ट इट विद द नियर बाय बिग टाउन रायगंज, यानी रायगंज जो एक बड़ा गांव है, कस्बा है, उससे वो जोड़ता है किसको, पालमपुर को। देयर इज़ इलेक्ट्रिसिटी इन द विलेज, गांव में इलेक्ट्रिसिटी भी है। द मीन्स ऑफ इरिगेशन आर वेरी गुड, यहां पर जो सिंचाई के साधन है वो बहुत अच्छे हैं। देयर फोर द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द पीपल हेयर इज़
एग्रीकल्चर है, और यहाँ पर लोगों की मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, एग्रीकल्चर है। एंड द विलेज ऑल्सो हैज़ अ स्कूल एंड अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर वेयर पेशेंट्स आर ट्रीटेड। गाँव में स्कूल भी है और प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है जहाँ पर पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है। तो इस तरह से आप इसको अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं, और इसमें से एक आध सेंटेंस आप इसको कट भी कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन का आंसर बड़ा लग रहा है तो। आपको एक ज़रूरी बात बता दूँ कि टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से उसको ज्वाइन कीजिए, और इस वीडियो का लिंक और दूसरी वीडियो का लिंक्स भी आपको वहीं पर मिल जाएगा, आपको कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को खूब लाइक दीजिएगा। देखिए आप व्यूज़ तो दे रहे हैं, व्यू के साथ साथ एक लाइक का बटन भी दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जल्दी से जल्दी अपने ही इस चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर्स को 50K यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।